यह सरकार अंबानी व अडानी के लिए काम करने वाली सरकार है, दिग्विजय सिंह। कांग्रेस ने किया बिलोनिया बाईपास पर चक्का जाम। विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज देश के कई राज्यों में आयोजित चक्का जाम के तहत जिला मुख्यालय पर भी हाईवे NH 46 बिलोनिया बाईपास पर किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। अरे पीछे आ जा भैया, तो साथी देर जाए दिग्विजय सिंह आपको हमारे बीच में आ चुके हैं। मार्गदर्शन लेंगे हम सब लोग, कुछ कर अनुरोध करता हूँ सत्य राय साहब से, हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। वहीं कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, मान सिंह परसोदा, के अलगराज सहित अनेक कांग्रेस जन व विभिन्न किसान मोर्चा के संगठन के सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार तो अंबानी और अडानी के लिए काम करती है। उत्पादक बाजार में कैसे उन्हें प्रवेश दिया जाए, क्योंकि कृषि मसला जो है, विषय जो है, वो भारतीय संविधान में राज्यों के क्षेत्र अधिकार में है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार कृषि से संबंधित किसी भी बात को लेकर कोई कानून नहीं बना सकता, और ये आज भी भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। लेकिन मोदी जी को अपने अरबपति खरबपति लोगों को 15 से 18 लाख करोड़ के जो बाजार था उसमें प्रवेश देना है। अब गुना मंडी में अगर इन अरबपति खरबपतियों को प्रवेश करना है तो मंडी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब यहां पर अगर मंडी का लाइसेंस लेना पड़ेगा तो देश भर में कितनी लाइसेंस लेने पड़ेंगे उनको। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि पूरे देश में एक जगह कहीं कोई लाइसेंस ले ले और केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर वो लाइसेंस ले सकता है। उक्त कृषि कानून संसद में नहीं बने बल्कि इनका मजमून अहमदाबाद व मुंबई में बैठकर तैयार किया गया है। दिग्विजय सिंह ने कृषि बिलों पर कहा है कि ये किसानों को उनके ही खेतों में मजदूर बनाने का कानून है, जिससे मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। वहीं मंडी में काम करने वाले हमाल, तुलावटी और मंडी कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। आपको बता देंगे ये चक्का जाम गुना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर पूरे राज्य में किया गया था। इस दौरान आंदोलनकारियों से ज्यादा बड़ी संख्या में सुरक्षा प्रबंधों में शामिल प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी रहे। बिलोनिया बाईपास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, जहां एसपी टीएस बघेल, एसडीएम अंकिता जैन के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।